युनवू ने डॉक्टर से पूछा कि क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। तब डॉक्टर के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वो देख कर युनवू सोचने लगा कि उसका जवाब क्या होगा वो मैं गैस कर सकता हूँ। ली युनवू और चोई तैग्यूम पिछले 5 सालों से साथ में रह रहे। जैसे ही चोई तैग्यूम का इंटर्नशिप पूरा हुआ उन दोनों ने साथ में रहना शुरू कर दिया था। तैग्यूम बहुत ही जल्दी एक कंपनी का असिस्टेंट मैनेजर बन गया था। युनवू ने मास्टर डिग्री हासिल की और फिर उसके बाद उसने कुछ इंग्लिश बुक्स ट्रांसलेट की। इस तरह से वो एक फ्रीलांसर ट्रांसलेटर बन गया। जब से उन दोनों का करियर शुरू हुआ तब से उन दोनों ने साथ में रहना शुरू कर दिया था और अब उन दोनों की लाइफ स्टेबल है। युनवू किचन में था तब उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो वो बाहर गया कि आज तुम जल्दी वापस आ गए। तैग्यूम अपना सारा काम फिनिश करने के तुरंत बाद ही यहाँ पे आ गया, इसलिए वो यहाँ पे जल्दी आ पाया। युनवू उसका बैग लेने जाता है कि तुम जरूरी बहुत थक गए होंगे, तुमने अभी तक डिनर नहीं किया है ना। तैग्यूम ने कहा कि हाँ मुझे बहुत ही भूख लगी है। युनवू उसे कह ही रहा था कि डिनर इतना जल्दी नहीं बनने वाला, तभी तैग्यूम ने उसे गले लगाया तो युनवू मन में बोलता है कि मैं तो बस उसका बैग मांग रहा था और वो कहता है कि तुम जाके नहा लो और आराम करो, तब तक मैं टेबल सेट कर देता हूँ। लेकिन तैग्यूम उसे टाइटली गले लगाता है और अपना फेस उसके कंधे पे रब करने लगा। युनवू उस पे पैट करता है कि तुम्हें मुझे छोड़ना होगा तभी तो मैं सारा काम फिनिश कर पाऊंगा। तैग्यूम ने कहा कि बस थोड़ी देर रुको और वो युनवू को किस करता है। वो दोनों एक दूसरे की नजरों में देखते हैं, खुद को रोक नहीं पाए और लंबा किस शुरू हो गया। पहले तैग्यूम रुकता है कि मैं अब नहाने जा रहा हूँ, अगर हम इससे आगे गए तो फिर मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। युनवू भी अपने मुंह को वाइप करता है और सोचता है कि तैग्यूम तो इतना जल्दी घर वापस नहीं आता, मतलब कि हर बार इतना जल्दी घर वापस नहीं आता तो फिर मुझे उसे आराम करने देना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद युनवू जब खाना बना रहा था तब तैग्यूम उसे पीछे से हग करता है। युनवू जो खाना बना रहा था वो तैग्यूम को टेस्ट करने देता है और तैग्यूम उसकी तारीफ करता है कि अब तुम भी अच्छा खाना बनाते हो। तैग्यूम ने ही उसे खाना बनाना सिखाया है और सिर्फ ये एक डिश बनाना सीखने में उसे 3 साल लगे और अब वो एम कर रहा है कि वो 2 साल में किमची स्टू बनाना सीख जाएगा। तैग्यूम ने कहा कि और इसके बाद 1 साल में सीवीड सूप बनाना। फिर वो पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा। युनवू बताता है कि बस यही कि सब कुछ नॉर्मल है, तुम डोमिनेंट अल्फा हो इसलिए मैं ज्यादा फेरोमोन रिलीज करने लगा हूँ और ये अच्छी बात है, तो मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो टेबल सेट कर रहा था और स्माइल के साथ कहा कि ओ हाँ डॉक्टर ने तुम्हें मेरा पार्टनर बुलाया। वो सुन के तैग्यूम कहता है कि ली युनवू अब मैं देख रहा हूँ कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी बनता जा रहा हूँ। युनवू कहता है जब हम वहाँ पे गए थे तब तुमने ही तो पहले मुझे हबी कह के बुलाया था। तैग्यूम उसे चॉपस्टिक और स्पून देते हुए पूछता है कि और उसने क्या कहा था। तो फिर युनवू ने बता दिया कि मैंने उससे पूछा था कि क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ और उसने कहा कि ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये बोलते हुए वो तैग्यूम के सारे रिएक्शन ध्यान से नोटिस कर रहा था पर तैग्यूम ने तो कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया कि सच में। तो युनवू ने पूछा कि क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तैग्यूम इस सवाल से कंफ्यूज था और उसने बताया कि अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मुझे भी कैसे हो सकती है।